हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से तोरी और आलू की सब्ज़ी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो बड़ों के साथ बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तोरी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, लेकिन बच्चे खाने में और ख़ासकर कभी कभी तो बड़े भी खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे सब्ज़ी भी जल्दी बन जाएगी और जो लोग तोरी नहीं भी खाते वो भी तोरी खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गैस पर हम यहाँ पर एक पैन रख लेंगे। एक चम्मच हमने यहाँ पर तेल डाली है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो एक चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे जीरा, और जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम यहाँ पे डाल लेंगे दो प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तोरी की सब्ज़ी अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा प्याज आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं यहाँ पे। तो प्याज को अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे, और जब प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो देखिए आलू को हमने पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। इससे आलू जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं पतले काटने से। तो आप इसी तरीके से काटें, और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी मैंने एक्स्ट्रा छलनी में निकाल लिया था आलू को रख के। उसके बाद आलू को एक दो मिनट तक हम तेल में पकाएंगे। तेल में पकाने से आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे तोरी ले ली है। तोरी को आप छोटा छोटा काटें। जब भी कोई नई सब्ज़ी, बच्चे जैसे लौकी तोरी कुछ आप बनाते हैं तो आपके उसके पीस थोड़ा ज़्यादा छोटे करें ताकि बच्चों के मुंह में ना आए। ऐसे बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके की सब्ज़ी को थोड़ा छोटा छोटा ही काटा करें। तो देखिए, मैंने बहुत छोटे छोटे पीस किए हुए हैं तोरी के। उसके बाद तोरी को भी एक मिनट हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। अब आधा छोटी चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाल लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, और मसाले को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है बड़े साइज़ का। टमाटर को आपको बारीक बारीक काटना है, क्योंकि हम टमाटर ऊपर से डाल रहे हैं, हमने पहले नहीं पकाया है। आधी चम्मच हम यहाँ पे हरी मिर्ची का पेस्ट ले लेंगे। आप चाहे तो दो तीन हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसलिए मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं, और ढक के हम इसे पका लेंगे जब तक कि आलू अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तोरी तो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन आलू थोड़ा समय लेते हैं। तो देखिए, ढक के हमने पका दिया। तोरी अपने आप ही पानी छोड़ देती है, तो आपको इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पे देगी मिर्ची डाल लेंगे, इससे कलर अच्छा आता है और ये तीखी कम होती है। आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल लेंगे, और दो पिंच हम यहाँ पे डाल लेंगे गरम मसाला। ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गरम मसाला आपको डालना है। इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और एक बार और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ढक के हम फिर से पका लेंगे एक दो मिनट के लिए। तो बस देखिए, सब्ज़ी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये जो तरीका है सब्ज़ी बनाने का, इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए, मसाला पकाने में बहुत समय लगता है, तो ऊपर से हमने टमाटर डाले, इस तरीके से जल्दी भी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर बनाएं ऐसे। अगर हम तोरी वगैरह बच्चों को आलू के साथ मिक्स करके बना के देंगे और थोड़ा छोटे छोटे पीस करके देंगे तो बच्चे ज़रूर खा लेंगे, क्योंकि तोरी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो इस तरीके से आप बच्चों को जो सब्ज़ी नहीं भी खाते ऐसे बना के खिलाएँ तो वो ज़रूर खा लेंगे। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।